एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी ड्रीम 11 टीवी। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो प्रो कबड्डी लीग के 73rd मैच के बारे में, जो कि होने वाला है बिटवीन दबंग दिल्ली वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में। तो मैच के बारे में आगे बात करें उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। तो जैसा कि ये मैच है दबंग दिल्ली वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में, जहाँ तक बात करी जाए इस मैच के वेन्यू की, तो ये होने वाला है कांति रावा स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग की। तो जहां दबंग दिल्ली पॉइंट्स टेबल पे फर्स्ट रैंक पे है, जहां उन्होंने अपने पिछले 11 मैचेस में 9 मैच विन किए हैं, एक मैच उन्होंने लूज किया है और एक मैच उनका ड्रॉ रहा है। बात करी जाए जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो वो पॉइंट्स टेबल पे फिफ्थ रैंकिंग पे है, जहां उन्होंने अपने पिछले 12 मैचों में 7 मैच विन किए हैं और 5 मैच उन्होंने लूज किए हैं, जिसमें से उन्होंने 4 मैच लगातार लूज किए हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के स्क्वाड के बारे में। तो जहां दबंग दिल्ली के स्क्वाड की बात करी जाए, तो उनके स्क्वाड में जोगिंदर नरवाल, जो कि इनकी टीम के कैप्टन एज वेल एज इनकी टीम के काफी बेहतरीन और एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर भी हैं। फिर उसके बाद रविंद्र पहल, जैसा कि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो से कहा था कि ये इनकी टीम के काफी एक्सपीरियंस्ड डिफेंडर हैं और इन्होंने अभी के पिछले 4-5 मैचों से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है डिफेंस सेक्शन से। फिर उसके बाद मिराज शेख, जो कि इनकी टीम के ऑलराउंडर हैं, हालांकि इनका फॉर्म इतना बेहतरीन नहीं है। फिर उसके बाद मोहित, विजय, विशाल माने, अनिल कुमार, सैयद गफ्फारी, फिर उसके बाद सोमवीर, प्रतीक पाटिल, नीरज नरवाल, चंद्रन रंजीत और नवीन इनकी टीम के दो मेन रेडर हैं और इनकी टीम से रेडिंग सेक्शन से सबसे ज्यादा इन दोनों ही प्लेयर्स ने स्कोर किया है। जहां तक बात करी जाए नवीन की, तो इन्होंने भी 100 रेड पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिर उसके बाद सत्यवान, अमन कादियान, सुमित कुमार, सुमित और बलराम, ये हो जाता है दबंग दिल्ली का स्क्वाड। जहां तक बात करी जाए इनके सीजन 7 की परफॉर्मेंसेस की, तो इन्होंने सीजन 7 में खेले हैं टोटल 11 मैचेस, जिसमें से इन्होंने 9 मैच विन किए, एक मैच इनका ड्रॉ रहा है और एक मैच इन्होंने लूज किया है। बात करी जाए इनके पिछले मैच के बारे में, तो इनका पिछला मैच था अगेंस्ट पटना पायरेट्स, जहां वो मैच काफी क्लोज था, जहां पटना पायरेट्स को इन्होंने 38-35 के मार्जिन से हराया था। जहां बात करी जाए उस मैच में, तो उस मैच में इनके रेडर्स नवीन कुमार ने 9 रेड पॉइंट और 6 बोनस पॉइंट, चंद्रन रंजीत की बात करी जाए तो उन्होंने 2 रेड पॉइंट और 3 बोनस पॉइंट, वहीं बात करी जाए विजय की, जो कि इनकी टीम के ऑलराउंडर है, इन्होंने 3 रेड पॉइंट और 1 बोनस पॉइंट लिए थे। अब इनके कुछ प्लेयर्स की बात की जाए, तो जैसा कि रविंद्र पहल की बात की जाए, इन्होंने पिछले सीजन अपने 22 मैचेस में 59 टैकल पॉइंट्स लिए थे और अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट्स लेने वाले बने थे। इस सीजन ये इससे का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए इस मैच में भी। वहीं बात की जाए चंद्रन रंजीत की, जो कि इनकी टीम के काफी एक्सपीरियंस और काफी इंपॉर्टेंट रेडर हैं, इन्होंने पिछले सीजन 22 मैचों में 153 रेड पॉइंट्स लिए थे। हालांकि ये इस सीजन इस रिकॉर्ड को भी अच्छा बना सकते हैं या फिर बेहतरीन कर सकते हैं रिकॉर्ड से भी ज्यादा। वहीं बात करी जाए नवीन की, जो कि इनकी टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इन्होंने पिछले सीजन 22 मैचों में 172 रेड पॉइंट लिए थे। हालांकि ये सीजन इनका और भी बेहतरीन जा रहा है, जहां इन्होंने हाल ही में प्रदीप नरवाल का जो लगातार 8 सुपर 10 का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की काफी अच्छी चॉइस होने वाले हैं। इनकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करी जाए, तो इनकी टीम का स्ट्रेंथ है इनका डिफेंस एज वेल एज इनका रेडिंग डिपार्टमेंट, जहां इनके पास डिफेंस में पहल, विशाल माने और मिराज शेख जैसे काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं और साथ ही साथ इनके कैप्टन जोगिंदर नरवाल भी। वहीं रेडिंग डिपार्टमेंट की बात करी जाए, तो इनके पास रेडिंग में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, जिसमें रंजीत और नवीन, जो कि इनकी टीम में बल्क में स्कोरिंग कर रहे हैं रेडिंग डिपार्टमेंट से। अब इनकी टीम की वीकनेसेस की बात करी जाए, तो इनकी टीम का वीकनेस है इनके पास कोई क्वालिटी रिप्लेसमेंट नहीं है, जैसा कि इनकेस फ्यूचर में अगर इनका कोई मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो रिप्लेसमेंट के तौर पर इनके पास कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं है। अब इनके स्टार्टिंग 7 की बात करी जाए, तो इनके स्टार्टिंग 7 में कुछ आपको चेंजेस नजर नहीं आने वाले, जहां इनके स्टार्टिंग 7 में रविंद्र पहल, चंद्रन रंजीत, विशाल माने, नवीन कुमार, मिराज शेख, अनिल में से कोई एक, जैसा कि दोनों ही प्लेयर्स का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है तो ये देखना होगा कि इन दोनों में से किसे खिलाते हैं, और सैयद गफ्फारी और जोगिंदर नरवाल, या फिर ये भी कर सकते हैं कि सैयद गफ्फारी की जगह अनिल कुमार को भी ट्राई कर सकते हैं।
अब इनकी टीम के टॉप परफॉर्मर की बात करी जाए तो जहां नवीन ने अभी तक लिए हैं 103 रीड पॉइंट, 26 बोनस पॉइंट और 3 टैकल पॉइंट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस मैच में भी। वहीं चंद्रन रंजीत की बात करी जाए तो इन्होंने लिए हैं 44 रीड पॉइंट्स, 11 बोनस पॉइंट और 5 टैकल पॉइंट्स, तो इनको भी आप लोग अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इन दोनों को भी अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं जोगिंदर नरवाल की बात करी जाए जो कि इनकी टीम के कैप्टन एज वेल एज काफी इंपॉर्टेंट डिफेंडर, इनके हैं 26 टैकल पॉइंट्स और 5 बोनस पॉइंट। रविंद्र पहल की बात करी जाए तो इनके हाल ही के शुरू के कुछ मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे बट उसके बाद से इनका फॉर्म काफी बेहतरीन रहा है जहां इन्होंने अभी तक 34 टैकल पॉइंट्स ले चुके हैं और ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके काफी अच्छे चॉइस हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। फिर इसके बाद मिराज शेख, हालांकि फॉर्म इनका इतना अच्छा नहीं है बट काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं जहां इन्होंने अभी तक 9 रेड पॉइंट, 1 टैकल पॉइंट और 6 बोनस पॉइंट लिए हैं। एक्स फैक्टर की बात करी जाए तो मेरा मानना है इस मैच में नवीन काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अगर आप लोग स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो आप लोग नवीन को ही अपना कैप्टन बनाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स की स्क्वाड के बारे में, तो जहां जयपुर पिंक पैंथर्स के स्क्वाड में दीपक हुड्डा उनकी टीम के कैप्टन एज वेल एज काफी एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर भी हैं, हालांकि पिछले 3-4 मैचों से इनका फॉर्म काफी डिप किया है। फिर उसके बाद अजिंक्य पवार, दीपक नरवाल ये भी इनकी टीम के मेन रीडर है, हालांकि इनका भी फॉर्म पिछले 4-5 मैचों से काफी खराब रहा है बट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर चलते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद गुमान सिंह, लोकेश कौशिक, मिलिंद, फिर उसके बाद नीलेश सालुंके, सुशील गुलिया, पवन टी, अमित हुड्डा, एलवासरन, करमवीर, संदीप धुल जो कि इनकी टीम के मेन डिफेंडर हैं, इनका भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है और इनकी टीम का हारने का मेन ये कारण है कि इनके 3-4 जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनका फॉर्म पिछले 3-4 मैचों से काफी खराब रहा है। फिर उसके बाद सुनील, डोंग्यू, नितिन रावल जो कि इनके ऑलराउंडर सेक्शन से सिर्फ यही एक ऐसे प्लेयर है जो अपने हर मैच में आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद सचिन नरवाल, सेल्वम और विशाल, ये हो जाता है इनकी टीम का कंप्लीट स्क्वाड। जहां तक इनके सीजन 7 की बात करी जाए तो इन्होंने सीजन 7 में खेले हैं टोटल 12 मैचेस जिसमें से इन्होंने 7 मैच विन किए हैं और 5 मैच लूज किए हैं। बात करी जाए इनके पिछले मैच के बारे में तो इन्हें अपने पिछले मैच में यू मुंबा के अगेंस्ट 47-21 के मार्जिन से हारना पड़ा था जहां यू मुंबा की स्ट्रांग डिफेंस ने जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स को काफी इजीली टैकल कर लिया था। अब बात करें उस मैच में जो इनके टॉप परफॉर्मर थे उसमें अमित हुड्डा जो कि इनके डिफेंडर हैं, इन्होंने 2 टैकल पॉइंट और 1 बोनस पॉइंट। दीपक हुड्डा की बात करी जाए तो उन्होंने 1 ही रेड पॉइंट और 2 बोनस पॉइंट। वहीं नितिन रावल की बात करी जाए तो इन्होंने 1 रेड पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट लिए थे। हालांकि तीनों ही काफी अच्छे प्लेयर हैं तो अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो इनको भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं इन तीनों में से किसी भी प्लेयर को। अब इनकी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करी जाए तो इनकी टीम का स्ट्रेंथ है इनका रीडिंग डिपार्टमेंट, हालांकि पिछले कुछ मैचों से इनका रीडिंग डिपार्टमेंट काफी फ्लॉप रहा है जहां इनके पास रीडर्स में दीपक हुड्डा, दीपक नरवाल, नीलेश सालुंके और नितिन रावल जैसे काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं और ये आपको किसी भी दिन अगर चल जाते हैं तो काफी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। वहीं इनके वीकनेसेस की बात करी जाए तो अभी के लिए इनका वीकनेस है इनका डिफेंस सेक्शन जहां इनके डिफेंस में कोई चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो इनकी टीम का मेन वीकनेस है वो इनके लेफ्ट कोर में जो एलवाशरन पोजिशन रहते हैं वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। वहीं राइट कवर की बात करी जाए तो इनके पवन भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो दोनों ही काफी कमजोर प्लेयर हैं ऑन ए पेपर। अब बात करी जाए इनके स्ट्रेंथ स्टार्टिंग 7 की तो इनके स्टार्टिंग 7 में दीपक हुड्डा, नीलेश सालुंके, दीपक नरवाल, अमित हुड्डा, संदीप धुल, विशाल जैसा कि खेल नहीं रहे, अगर खेलते हैं तो आप लोग इनको ले सकते हैं अपनी टीम के अंदर, और नितिन रावल ये होनी चाहिए इनके स्टार्टिंग 7। जहां इनकी टीम के टॉप परफॉर्मर की बात करी जाए तो इनके टॉप परफॉर्मर में दीपक हुड्डा जो कि इनकी टीम के कैप्टन भी हैं, इन्होंने 68 रेड पॉइंट्स, 13 टैकल पॉइंट्स और 7 बोनस पॉइंट लिए हैं अभी तक, हालांकि पिछले 3-4 मैचों से कंप्लीटली फ्लॉप रहे हैं। संदीप धुल की बात करी जाए जो कि इनकी टीम के मेन डिफेंडर हैं, इन्होंने 58 टैकल पॉइंट्स और 5 बोनस पॉइंट। अमित हुड्डा की बात करी जाए जो कि इनकी टीम के एक और बेहतरीन डिफेंडर हैं, इन्होंने 41 टैकल पॉइंट्स और 3 बोनस पॉइंट लिए हैं। वहीं दीपक नरवाल की बात करी जाए तो इनके इनिशियली कुछ शुरू के मैचेस में काफी बेहतरीन फॉर्म था बट उसके बाद से इनका फॉर्म काफी कंप्लीटली खराब रहा है जहां इन्होंने अभी तक 31 रेड पॉइंट्स, 4 टैकल पॉइंट और 4 बोनस पॉइंट लिए हैं। वहीं इनके ऑलराउंडर विशाल की बात करी जाए तो जैसे कि अपने पिछले 4-5 मैच नहीं खेले हैं तो अगर ये मैच खेलते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जहां इन्होंने अभी तक 38 टैकल पॉइंट्स और 3 बोनस पॉइंट लिए हैं। एक्स फैक्टर की बात करी जाए तो जैसा कि नितिन रावल इनकी टीम से सिंगल एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हर मैच में परफॉर्म किया है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हमारे प्रिडिक्शन की बात करी जाए तो जैसा कि दबंग दिल्ली का फॉर्म रहा है इस सीजन, मेरा मानना है इस मैच को भी दबंग दिल्ली को ही जीतना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे ड्रीम 11 टीम के बारे में, तो जैसा कि बात करें हमने टीम बना की है, बात करें हमारे डिफेंस सेक्शन में तो हमने डिफेंस सेक्शन में धुल, रविंद्र पहल और हमने लिया है पवन आर पीआर को।
आप लोग चाहें तो धूल को हटा के इनकी जगह जोगिंदर नरवाल को ले सकते हैं, क्योंकि जोगिंदर नरवाल भी इस सीजन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं संदीप धूल के साथ। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हमने दीपक हुडा, नितिन रावल को लिया है। आप लोग चाहें तो हुडा को हटा के इनकी जगह आप लोग चाहें तो अमित हुडा या जोगिंदर नरवाल को भी ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि दीपक हुडा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं है पिछले कुछ मैचों से, तो आप लोग ये रिस्क ले सकते हैं। हालांकि आपके लिए स्मॉल लीग में ये रिस्क लेना ज़्यादा बेहतरीन नहीं होगा। रेडर सेक्शन की बात करें तो रेडर सेक्शन में हमने दो ही प्लेयर लिए हैं, जहां हमने नवीन और चंद्रन रंजीत को लिया है। अगर आप लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो दीपक नरवाल को ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। तो हमारी टीम के प्रीव्यू की बात करी जाए तो कुछ इस तरह से, जहां हमने कैप्टन के तौर पे नवीन को हमारा कैप्टन बनाया है और चंद्रन रंजीत को हमारा वाइस कैप्टन बनाया है। आप लोग चाहें तो धूल को, मैं पहले भी बता रहा हूं, ग्रैंड लीग में या फिर स्मॉल लीग में धूल को हटा के आप लोग जोगिंदर नरवाल को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लेयर काफी आउटस्टैंडिंग है। बट हम इसी टीम के साथ अभी के लिए जा रहे हैं, जहां हमने कैप्टन नवीन को और वाइस कैप्टन हमने चंद्रन रंजीत को बनाया है। ग्रैंड लीग में आप लोग हुडा को भी अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हालांकि हमारी फाइनल टीम नहीं होगी, जो हमारी फाइनल टीम होने वाली है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वेल, दिस इज ऑल फ्रॉम अस, थैंक यू, गुड बाय।